वेलकम बैक बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रॉस द थियरी में। मैं हूं सचिन मिश्रा और हम चला रहे हैं क्रैश कोर्स 45 दिनों का, यानी क्रैश कोर्स 45, जहां 45 दिनों के अंदर आपके फिजिक्स को पूरा करने की जिम्मेदारी ले ली है मैंने। अगर फिजिक्स में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है या किसी प्रकार की भी चिंता है, आपको टेंशन है, तो अब उसको छोड़ देना है। इस क्रैश कोर्स के साथ रेगुलरली बने रहिए, जितने वीडियोस रोज अपलोड होते हैं उनको देखते रहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे वीडियोस समय के साथ अवेलेबल करा सकूँ, और साथ ही साथ आपका जो डाउट है फिजिक्स में, जिसमें तकलीफ आ रही है, जो पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, गारंटी के साथ वो यहाँ पर क्लियर होगा। तो आप सही चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुँचाइए, इसके वीडियोज़ को पहुँचाइए, जिससे वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सके और हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके वो भी फिजिक्स का भरपूर फायदा उठा सके। मार्क्स की चिंता करनी नहीं है, चैनल पर हो तो मार्क्स पक्का आएंगे, 100% आएंगे, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। ऑप्टिक्स में अगर किसी तरीके की परेशानी है तो चैनल पर पहले से 7 वीडियो अपलोड है, उनको जाकर देखो। इन 7 वीडियोस के अंदर मैंने अब तक का सारा सिलेबस सारा पोर्शन अपलोड किया है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रिज्म। इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट कंप्लीट हो चुका है इस क्रैश कोर्स में, सारे वीडियो चैनल पर हैं, जाकर उनको देखो। अगर उनको नहीं देखा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है, ये कोई वीडियो नहीं है, स्पेशल टॉपिक का वीडियो नहीं है, ये क्रैश कोर्स है, यानी जहाँ पर आप लगातार सीरियल वाइज देखते हुए आओगे तो आपको मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो भी आपको क्लियर लगेगा, लेकिन अगर सारे डाउट पहले से क्लियर है फिर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसका मजा ही कुछ और है। स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अगर आपके पास एक प्रिज्म है, ओके, और उस प्रिज्म के अंदर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और इमर्जेंट हो जाती है, इमर्जेंट हो जाना यानी बाहर निकल जाना, ओके। जब कोई लाइट रे आती है और इमर्जेंट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में उस प्रिज्म का जो डिफ्लेक्शन है, जो लाइट रे का डिफ्लेक्शन है, जिसको आप डेविएशन भी बोलते हो, तो वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, हम यहाँ दो चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो, हम लोग प्रिज्म के फिनोमेनों को पढ़ते हुए दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज़ योर एंगल ऑफ डेविएशन, मींस कि वो लाइट रे कितना डिफ्लेक्ट होगी। अब डिटेल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एंड सेकेंड थिंग, वी हैव डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, मिनिमम डेविएशन की भी बात करेंगे, यानी पूरा का पूरा प्रिज्म का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, डिटेल से देखते जाओ। लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट वी हैव अ प्रिज्म ए बी सी डी विथ प्रिज्म एंगल ए, ओके। सो ए इज वॉट योर प्रिज्म एंगल, तो हम इसको लिख देते हैं ए इज वॉट दैट इज योर प्रिज्म एंगल, ओके, ठीक है। ए हमारा प्रिज्म एंगल है, ठीक, ये प्रिज्म का एंगल, ठीक। अच्छा, अब आप इस चीज को समझो जरा, आप जिस प्रिज्म को देख रहे हो ना, एक्चुअल में आप इसको 2D में देख रहे हो, मीन्स कि आप सामने वाला पोर्शन देख रहे हो। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बाहर निकला हुआ आपको नजर आएगा, किसी पिरामिड के जैसे, ठीक है। तो दैट इज योर प्रिज्म एंगल ए, ओके। सपोज दैट अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म साइड ए बी एट पॉइंट पी विथ इंसिडेंट एंगल आई टू द नॉर्मल, ओके। एक लाइट रे है वो इस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल कैसा, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज योर नॉर्मल, ओके। सो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे एंगल क्रिएट कर रही है, सपोज दैट दिस एंगल इज योर आई, सो आई इज वॉट इंसिडेंट एंगल, ओके। लाइट रे प्रिज्म साइड ए बी पर इंसिडेंट कर रही है और इंसिडेंट एंगल क्रिएट कर रही है नॉर्मल के साथ आई, क्लियर और नॉट, ओके। ये एयर का या जिस मीडियम से लाइट रे प्रिज्म के अंदर जा रही है, हम मान लेते हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड प्रिज्म हैज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, क्लियर। लाइट रे पहले N1 से N2 में जाएगी एंड फिर कहां से निकल जाएगी, N1 में। यहां पर एक चीज को क्लियर रखना है, N2 इज ग्रेटर देन N1 मीन्स योर प्रिज्म हैज डेंसर देन दिस साइड, ओके। ये डेंस है एंड दैट इज योर रेयर मीडियम, ओके। प्रिज्म है डेंसर मीडियम एंड दिस इज हैज रेयर मीडियम, यानी लाइट रे रेयर से डेंसर के अंदर इंसिडेंट कर रही है। कहानी क्लियर है, रेयर से डेंसर में जा रही है, ओके। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, क्लियर और नॉट, ओके। सो लेट सपोज दैट इफ लाइट रे हैज नो डिफ्लेक्शन मीन्स नो रिफ्रैक्शन, सो लाइट रे हैव टू गो लाइक दिस, क्लियर।
लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट बिकॉज लाइट रे इज गोइंग रेयरर टू डेंसर इट विल बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये लाइट रे की तरफ बैंड हो जा रही है, क्लियर है या नहीं? देखो इसको जाना ऐसे चाहिए था पर ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो कहाँ? नॉर्मल के साइड में ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे है नॉर्मल के साइड में बैंड हो जाएगी, क्लियर है? ओके, नॉर्मल के साइड बैंड होके ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज योर R1 बोले, ओके R1 थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लोगे तो क्लियर दिखेगा क्योंकि डायग्राम है, डायग्राम में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग ऐड करने वाले हैं, ठीक है? ओके, योर पॉइंट P एंड Q, क्लियर? ओके, ABC, ठीक? ओके, तो लाइट रे इंसिडेंट हुई नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई, बिकॉज ऑफ रेयरर एंड डेंसर, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यू कैन से लाइट रे विल बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, दैट इज क्रिएट एंगल R1 टू द नॉर्मल, ओके R नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है R1, लाइट रे आगे बढ़ी डेंसर में, नाउ इट विल गॉट डेंसर टू रेयरर, लाइट रे अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है ना? अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता ऐसी कंडीशन में तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे चली जाती, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट विल गो अवे टू द नॉर्मल, ठीक है? क्योंकि ये जा रही है डेंसर से रेयरर, कहानी समझो, ये जा रही है डेंसर से रेयरर, तो ये कहां चली जाएगी? नॉर्मल, आपका देखो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल ये है हमारा, ठीक है? अगर ये ऐसे जा रही है, नॉर्मल हमारा ऐसे है, अगर ये रेयरर से डेंसर में जा रही होती तो ये नॉर्मल के साइड में ऐसे बैंड हो जाती, बट ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये ऐसे है, ये और ऐसे चली जाएगी, अवे हो जाएगी, ठीक है ना? और अवे चली जाएगी, किससे? नॉर्मल से दूर चली जाएगी, दूर हट जाएगी, बैंड होगी लेकिन नॉर्मल से दूर, ठीक है ना? ऐसे, क्लियर? ये देखो ये बैंड हो गया, क्लियर है या नहीं? सपोज दैट कि ये R2 एंगल के साथ में उस प्रिज्म सरफेस AC पर इंसिडेंट हो रही है, R2 एंगल क्रिएट करते हुए प्रिज्म AC पर ये इंसिडेंट हो रही है, एंड ये बाहर निकलते हुए जो नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, बाहर निकलना मीन्स इमर्जेंट, व्हेन द लाइट रे विल इमर्जेंट इट विल क्रिएट एंगल E टू द नॉर्मल, क्लियर? सो हियर E इज योर इमर्जेंट एंगल, क्लियर? E इज योर इमर्जेंट एंगल, लाइट रे इमर्ज कर रही है, बाहर जा रही है, ऐसी कंडीशन में वो नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, हम ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना? कहानी ये है कि हम ये सब सिर्फ ऐसे मान रहे हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रिज्म एंगल ये है, इंसिडेंट एंगल आई है, ये R1 एंगल क्रिएट कर रही है, दैट R2 एंड इमर्जेंट एंगल इज E, मीन्स एक लाइट रे आई, ऐसे इसको जाना चाहिए था पर ये पहले से बैंड हुई, फिर ये क्या कर गई? बाहर निकलना था इसको लेकिन डेंसर से रेयरर होने के कारण ये और बैंड हो गई, कहानी क्लियर है? पहले हल्का सा बैंड हुआ फिर और बैंड हो गया, नॉर्मल से ऐसे बैंड हो गया, ठीक है? ओके, तो इमर्जेंट एंगल योर E, बहुत अच्छी यहां तक कहानी चल रही है, अब समझो जरा। देखो मैं थोड़ा सा यहां बाहर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आपकी लाइट रे जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है ना? ठीक, ये रही, लास्ट में वो गई कैसे? वो ऐसे चली गई, ठीक है ना? जाना ऐसे चाहिए था बट ये क्या हो गई? लास्ट में ऐसे चली गई, देख रहे हो? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये एंगल, ठीक है? यानी कि ये ऐसे जा रही थी और चली ऐसे गई, एक्चुअल में गई ऐसे, ठीक है ना? तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट रे में, दैट इज नोन एज डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट एज डेल्टा, सो हियर वी कैन से डेल्टा, लाइट रे जा ऐसे रही थी पर चली ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है ना? तो दिस इज योर एंगल डेल्टा, ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं, ठीक है? लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, पहले रेयरर से डेंसर तो बैंड हो गई, फिर डेंसर से रेयरर और बैंड हो गई, ठीक है ना? बैंड हो गई नॉर्मल से दूर, और टोटल जो आपके इस लाइट रे के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ उसको आपने बोला या डेविएशन हुआ, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट एज डेल्टा, क्लियर और नॉट? यहां तक ठीक है। मैं बार बार ऑप्टिक्स में कहता हूं कि अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स की कहानी ही डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो फिर इक्वेशन में तो कोई लोड नहीं है, बहुत हल्का है, मजा ही आ जाता है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, यहाँ पे डार्क स्पॉट आपको लाइट का दिख रहा होगा, इसके लिए मैंने डायग्राम इस बार यहाँ बनाया है, ठीक है ना? कुछ कमेंट आए थे मुझे तो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो मेन डायग्राम था, मैंने डायग्राम को बना दिया, अब तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ओके,
अब हमको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी हमको ये डेल्टा निकालना है, ठीक है। ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट। ओके, सबसे पहले कहानी स्टार्ट करेंगे हम इस ट्राइंगल में से, पी एन क्यू, दैट इज योर पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू, दैट इज एन। ओके, पी एन क्यू, इन ट्राइंगल पी एन क्यू आर वन प्लस आर टू एंड एंगल पी एन क्यू मीन्स दैट एंगल इज इक्वल टू 180, क्लियर और नॉट? ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल है, तो ये तीनों एंगल का मैं एडिशन कर दूंगा तो मुझे 180 ही मिलने वाला है ना, कहानी क्लियर है? ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी एन क्यू, दिस वन पी एन क्यू, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्लस, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे एंगल एन लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में ऐसे नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पी एन क्यू, पी एन क्यू, पी एन क्यू, ओके, इक्वल टू 180, क्लियर? ओके, सो आर वन प्लस आर टू, एक काम करते हैं इसको इतना ही रहने देते, अभी जाने दो इसको, ठीक है, इतना छोड़ दो, क्लियर है? ओके, लेट्स थिंक क्वाड्रिलेटरल ए पी एन एंड क्यू। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, जो एक दूसरे के सामने वाले एंगल होते हैं, ठीक है ना, वो अगर आप उनका ऐड कर दो तो वो हमेशा 180 होते हैं, सही है, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एंगल ए एंड एंगल पी एन क्यू, यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का ऐड करूंगा, दैट इज योर 180। अगर मैं इसका और इसका ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज 180। और ये तो क्लियर भी है ना, देखो जरा, ये रहा एंगल, ठीक, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि आपने नॉर्मल खींचा था, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है, इधर वाला भी नॉर्मल है, तो 90 प्लस 90 इज योर 180। सो सामने वाले जो बचे हैं इनका एडिशन करोगे तो हमेशा 180 ही मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि किसी भी रेक्टेंगुलर के अंदर जो टोटल साइड ऑफ एंगल ऑफ साइड जो होते हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे तो हमेशा 360 होता है, तो 180 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, 180। ओके, सो इन क्वाड्री लेटरल लेटरल ए बी ए बी ने सॉरी ए ए पी एन क्यू सॉरी 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 ए पी एन क्यू इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू एंगल ए मीन्स दिस एंड एंगल पी एन क्यू मीन्स पी एन क्यू इज व्हाट, 180, क्लियर और नॉट? ओके, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जरा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करो। सो इसको ऐसे बोल देते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, कितना आसान है, देखो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे रट्टा मार रहे हैं, क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप चले जा रहे हैं, नहीं नहीं, सोचना है, दिमाग लगाना है कि अगर ऐसा ऐसा कर दिया तो यार इसको कंपेयर करके देखते हैं, कोई अपने सोचा नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना, नहीं, जो दिमाग में आ रहा है आप उसको करते जाइए, यही तो फिजिक्स है, ठीक है ना। कोई हमने ऐसा नहीं किया कि भाई बुक है, बुक में से आपको रिफर करके बिल्कुल वही चीज़ चिपका के यहाँ पे दे दो, नहीं, हमारा दिमाग है, अपनी सोच है, ठीक है, जो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं वो तो कहीं भी चिपका सकते हो, और अगर आपने फिर रट ही लिया उसको तो फिर वो किसी काम का नहीं है, थोड़ी दिन के लिए यूज़ आएगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा, तो रटना नहीं है हमको, क्या करना है, समझना है चीज़ को कि हम अपने दिमाग लगा के कैसे चीज़ों को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इक्वेशन वन एंड टू, लेट्स थिंक, आर वन प्लस आर टू पी एन क्यू इक्वल टू 180 माइनस ए, अच्छा इसको एंगल ए ना लिख के, क्योंकि मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको ए ही बोल चुका हूँ ना, तो ए रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, सो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू नहीं करते अभी, एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ, एंगल पी बाद में मैं लिख दूंगा, पी एन क्यू, पी एन क्यू इज 180 माइनस ए, 180 माइनस ए इक्वल टू 180, सो 180 से 180 कैंसल आउट, माइनस ए उधर गया और वो बन गया प्लस ए, तो मैं इसको डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख देता हूँ ए, क्लियर? इसको आप ऐसे बंद कर दो भाई डब्बे में,
एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है आपको अभी, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन का यूज किया, जो जो मुझे दिख रहा था इस डायग्राम के थ्रू, कि मुझे दिखा ये 180 होंगे, सामने सामने वाले ऐड होंगे तो 180 आएंगे, मैंने इनका यूज किया और एक परफेक्ट इक्वेशन निकाला प्रिज्म एंगल के लिए, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छा। अब जरा सोचो, आपको मालूम है जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसी भी ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है ना? ये मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में डिटेल से बताया था। ओके, सो यहां पर आपको डेल्टा दिख रहा है जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के एडिशन के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने बोला कि पिक्सल बढ़ा रहे हो, डायग्राम छोटा है तो आपको समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा नेट जाएगा पर कहानी समझ में आ जाएगी, दिखेगा। ये है डेल्टा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के एडिशन के इक्वल होगा, क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छी बात है। इसको बोल देते हैं एम और इसको बोल देते हैं, ये तो पहले से बोला हुआ है, पी क्यू। सो इन ट्राइंगल एम पी क्यू और पी क्यू एम, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर जो एंगल एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा, दैट इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल क्यू, क्लियर है? एंगल पी एंड एंगल क्यू। अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये है कितना। अगर ये आई है तो ये जो बचा हुआ भाग है, आपको नहीं लगता दैट इज आई माइनस आर वन? देखो भाई, ये आई है, एक पार्ट गया हुआ है आर वन में, तो बचा हुआ कितना, दैट इज योर आई माइनस आर वन, क्लियर है? तो यही भी मैंने लिख दिया आई माइनस आर वन। सेम टू सेम यहां पर हो जाएगा ई माइनस आर टू, क्लियर है? बिल्कुल वैसा ही वहां पर भी हो जाएगा, मैं इसको रहने देता हूं। देखो जरा, इन ट्राइंगल पी पी क्यू एम, पी क्यू एम, एम को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, पी क्यू एम, ओके, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, एक्सटर्नल एंगल अंदर के दो एंगल के एडिशन के इक्वल होगा। कहानी क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। यानी डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, और आई माइनस आर वन कहां से आया, तो मैंने बोला भाई ये पूरा एंगल है आई, तो इसके अंदर के एक्स है, तो इसके अंदर के दो पार्ट अगर है, ये फर्स्ट वाला आर वन है तो सेकेंड वाला वॉट आई माइनस आर वन, क्लियर है? तो मैंने इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। अब देखो जरा, इसको अपने हिसाब से सेट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, क्लियर है? माइनस को कॉमन ले लिया और आर टू प्लस आर वन लिख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू व्हाट, ए, पुट करो। सो डेल्टा इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये क्यों लिख रहे हैं, आई प्लस ई माइनस ए, और ये हो गया हमारा इक्वेशन योर डेल्टा, वेयर डेल्टा इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन, यही तो निकाल रहे थे सर, डेविएशन, गलत लिख दिया, आई कहाँ गया सर, डेविएशन, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है? तो डेल्टा का फॉर्मूला आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। मींस कि अगर आप कहीं भी एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हो कि लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था और इमर्जेंट कैसे हुई, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में जो आपको एंगल मिलता है, दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको आई मींस इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल एंड प्रिज्म एंगल रिक्वायरमेंट इनकी होगी। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर आपको डेल्टा को मिनिमम करना है, मींस कि जो इमर्जेंट रे है और आपका इंसिडेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, मीन्स अगर जाना ऐसे था बट चली ऐसे गई, इसको मैं घटाना चाहता हूं, तो मैं इस एंगल को घटाऊं यानी कम कैसे करूं, ठीक है? कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मैंने कम कर दिया और मुझे मिनिमम डेविएशन मिल रही है, ऐसी कंडीशन में क्या रिक्वायरमेंट, क्या चीजें होंगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर हम उसको भी देखते हैं। ओके, चलिए, तो लिख लिया आप लोगों ने। इसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने निकाल लिया एंगल ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन मिल गया तो हमको एक कंडीशन सोचनी है, जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो, मींस कि जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, जो लाइट रे जैसे इंसिडेंट हुई और इमर्जेंट हुई, इसके बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट हैज टू मिनिमम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और लिखता हूं मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम
डेविएशन, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएम से, याद रखेंगे, समझते हैं इसको डिटेल से, पहले तो देखो जरा, आओ, ओके, लाइट रे ऐसे गई, बैंड हुई, और इमर्जेंट के टाइम पे और बैंड हो गई, यानी कि जो आपका डेविएशन हुआ दैट इज नोन एज डेल्टा, और उसको आपने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, फॉर्मूला आप लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया, आई प्लस ई माइनस ए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ओके, जब लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था ऐसे बैंड हो गई, ऐसी कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि जो, ओके एक मिनट, जाना ऐसे चाहिए था, चलिए ऐसे गई, मैं चाहता हूँ कि ये जो डेविएशन हो रहा है ये डेविएशन एंगल बहुत छोटा हो जाए, मीन्स मैं इसको ऐसे बैंड करूँ, ठीक है, मैं इसको क्या करूँ, बैंड करूँ, ये है, इसको ऐसे बैंड करूँ, ये नहीं आना चाहिए, ये लाइट रे मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम की कंडीशन में क्या होगा, देखो जरा, सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, ये ऐसे है, यानी लाइट रे, इंसिडेंट रे आपकी ऐसे है और इमर्जेंट रे ऐसे है, मैं डेविएशन को घटाता जा रहा हूँ, घटाता जा रहा हूँ, घटाता जा रहा हूँ, मिनिमम कंडीशन ये होगी जब आपकी इमर्जेंट रे और लाइट रे, सॉरी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरलर आ जाए, क्लियर है या नहीं है, देखो जरा, है या नहीं है, ये देखो, एक दूसरे के पैरलर आ गई, ऐसे थी, मैंने इनको क्या किया, ये देखो, इनके बीच का डिफ्लेक्शन घटाया, इनके बीच का डेविएशन घटाया, तो जो सबसे मिनिमम कंडीशन थे, अब ऐसे अंदर तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, मिनिमम कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे के पैरलर आ जाए, ओके, यहाँ पे लिखूंगा, सो इन मिनिमम डेविएशन ये देखो, जब एक दूसरे के पैरलर आ जाएगी तो आपको नहीं लगता पैरलर कंडीशन में आई इक्वल टू ई होगा, अरे भाई जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई, ये इमर्जेंट भी उसके साथ साथ में ही चल रही है, तो ये भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आई जितना ही तो एंगल बनाएगी, मीन्स आई इक्वल टू व्हाट, ई, ओके, एंड जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आप ये सोच रहे हो कि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है ना, ये देखो ऐसे थी और ऐसे ही चली गई, आप यही बोलना चाहते हो भाई, एक दूसरे के पैरलर आ गई मतलब क्या, ऐसे थी और ऐसे चली गई, डिफ्रेक्शन हुआ ही नहीं, डिफ्रेक्शन हुआ ही नहीं, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा इनके बीच में, लाइट रे डिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही है, एंगल ऑफ डिविएशन बन ही नहीं रहा है, जाना ऐसे चाहिए था और बिल्कुल ऐसे चला गया, तभी तो देखो आपका जो इमर्जेंट रे था वो भी इसके कैसे आ रहा है, पैरलर मतलब कि ऐसे, इमर्जेंट रे आखिर इसी से तो बना हुआ है, तो ये भी ऐसे ही निकल गया, ऐसी कंडीशन में आर वन एंड आर टू क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, सिंपल सी बात है, देखो जरा ये और ये ऐसे निकल गई, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल यहां पर तो सेम एंगल तो ये भी बना रहा है, बैंड हुआ ही नहीं, ठीक है, तो आर वन इक्वल टू आर टू, तो इन इस कंडीशन में आर वन प्लस आर टू इक्वल टू वन, एंड आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए होता है, एंड आर वन इक्वल टू आर टू, सो आर इक्वल टू ए बाई टू, क्लियर है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई टू, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, यानी आर आपके पास अब है, बहुत अच्छा, आई इक्वल टू ई है, सो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ओके, सो आई ई दैट इज योर टू आई और टू ई, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना, माइनस ए, ठीक है, अब डेल्टा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में डेल्टा को रिप्रेजेंट कर देते हैं डीएम से, ओके, तो डीएम बताता है कि यहां पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट मिनिमम डेविएशन एज डीएम बिहाफ ऑफ डेल्टा, ओके, सो टी टू आई माइनस ए इक्वल टू डीएम, एंड डी एम प्लस ए अपोन में टू इक्वल टू आई, क्लियर है, इधर आ गया अपोन में टू, ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, यहां तक क्लियर है, ओके, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, मिनिमम डेविएशन अगर आपको चाहिए तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, ओके, लेट्स फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, ओके, और मिनिमम डेविएशन के लिए एक और फॉर्मूला, बढ़िया सा फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी अपने अंदर ऐड करता हो, सो लेट्स फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, देखो मैंने छोटे छोटे इसको सॉर्ट तीन टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, तीन टॉपिक में डिवाइड कर दिया, पहला हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सेकंड इज मिनिमम
deviation and third is your refractive index of prism, यानी prism के इस part के अंदर ही मैंने तीन part बना दिए हैं, okay? तो छोटे छोटे हैं, याद रह जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए जरा, सबसे पहले मैंने कहा कि snail का rule, refraction अगर आप करा रहे तो snail का rule, तो by snail's rule n1 sin theta I equal to n2 sin theta R, क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छी बात है। स्नेल का रूल कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल दैट सॉरी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन प्रोडक्ट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो we have to find equation like this n1 sin I equal to n2 sin I, यही तो था हमारा स्नेल का रूल। अब इस स्नेल के रूल में I आपका क्या है, that is your incident angle and R is your refractive or refraction angle, okay? So now I आपका क्या है, I equal to dm plus a by 2, so let's write this n1 sin I is sin I dm बी लिख रहा हूं मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, ओके, इक्वल टू एन टू साइन आर, आर इज व्हाट योर रिफ्रैक्शन एंगल एंड आर इज इक्वल टू ए बाई टू। अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी, सर इतने देर से ये सब क्या कर रहे थे, क्या निकाल रहे थे, क्योंकि मुझे यहां ये वैल्यू पुट करनी थी भाई, मुझे चाहिए था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके लिए मुझे आई और आर चाहिए था, तो आई मुझे यहां से मिल गया जब मैंने इस फिनोमिना को यूज़ किया, जो कि मुझे कहाँ से मिला था, मिनिमम डेविएशन में से, ओके, और इस वैल्यू को भी मैंने नोट किया यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, ओके, चलो भाई मैं रेशियो ले लेता हूँ, साइन वाले का रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, साइन डी एम बी का कुछ ज़्यादा ही नाटक हो गया है, बार बार बीच में आ जाता है, साइन ए बाई टू, मैंने क्या किया इस टर्म के नीचे इस टर्म को ले लिया और इसको उधर लिख देता हूं एन टू, सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, क्लियर है, ओके okay. तो आपको मालूम है इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एन टू वन, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आप सबको मालूम है छोटे एंगल के लिए स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सो साइन साइन गायब कर दो, डी एम प्लस ए बाई टू अपोन में ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू, साइन साइन गायब, ओके, जो बचा है टर्म थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सो एन टू वन, टू 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 कैंसल, ओके, डी एम अपोन में ए प्लस ए अपोन में ए, मैंने ए को सेपरेटली दोनों के नीचे ले लिया, ठीक है, ओके, सो एन टू वन, क्लियर है, मैं इक्वेशन करता जा रहा हूँ, देखते जाइए बस ध्यान से, वो भी आपको समझ में आएगा, मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, सो डी एम अपोन में ए इक्वल टू एन टू वन माइनस वन। अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाओ, डी एम अपोन में ए माइनस वन इक्वल टू एन टू वन, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका फॉर्मूला बन गया जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मिनिमम डेविएशन अपोन में द प्रिज्म एंगल माइनस वन इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म, जिस प्रिज्म का आपको निकालना है आप फाइंड आउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, यानी पक्का है भाई सवाल तो पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर का वेटेज हाई है, 8 से 9 मार्क्स, ठीक है, 8 से 9 मार्क्स, तो ऐसी कंडीशन में 7 से 9 मार्क्स का क्राइटेरिया होता ही होता है, ऐसी कंडीशन में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, बड़े सवाल के मैं चांसेस नहीं बताता, लेकिन छोटे ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला आपको और मिल जाता है, डी एम इक्वल टू, देखें अगर ध्यान से तो आपको मिलेगा इस ए को मैं नहीं ऐसा करते हैं ना, देखो जरा, अच्छा है ना हमारे पास n21 माइनस उधर गया प्लस हो गया और ये नीचे वाला है ऊपर चला गया, तो देखो जरा एंगल ऑफ डेविएशन का एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। मैं देखो भाई मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप याद करके थियरी या इक्वेशंस को लिखोगे मजा नहीं आएगा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं जो आता गया मैं उस स्टेप में चलता चला गया
और वो चीज़ें फ्लो फ्लो में अपने आप आ गई। यही डेरिवेशन करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को समझ लें, डायग्राम को समझ लें और एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखें कि मुझे करना क्या है। मुझे करना ये था कि मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना था और मेरे पास एक ही तरीका था, वो स्नेल का रूल था। तो मैंने कहा कि अगर स्नेल का रूल यूज़ करूँगा तो मुझे आई और आर भी मिलेगा, तो आई का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, ठीक है, और आर के लिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला निकाल लिया। मुझे मालूम है साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मैंने इस टर्म को यूज़ किया, जो कट रहे थे काट दिया, मुझे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला मिल गया। मैंने कहा ये बहुत स्टार है, इसको नोट कर लीजिए। आपने कहा ठीक है सर, नोट कर लिया, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कि इसको उधर ले जाओ, आपने कहा ठीक है सर। ए ऊपर चला गया, एंड डी एम इक्वल टू एन टू वन प्लस वन ए, ठीक है ना, होल का ए कह सकते हो। ओके, तो ये जो आपका मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बना है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया इसके साथ में, ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। ये भी आईएमपी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं इस टॉपिक से पूरे चांसेस है, मैं कहूंगा 99 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आई गेस 90% चांस है कि इस टॉपिक से सवाल आए। तो आप इस टॉपिक को डिटेल से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, मुझे लग रहा है आपको शायद यहाँ का कुछ ना दिखे या यहाँ इस कंडीशन का, तो यहाँ तो मैंने लिखा है सो इन मिनिमम आई इक्वल टू ई एंड डेविएशन आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हूँ, मैं जल्दी इसको सुधार करवा लूँगा, मैं अपनी लाइट के सेटिंग करवा दूंगा। ओके, पर अभी तो मुझे जल्दी थी तो मैंने जस्ट शूट कर लिया। ओके ठीक है, तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियोस को लगातार देखिए, सीरियल वाइज देखते हुए आएंगे, मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। फिजिक्स तो आसान ही हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, देखते रहिए, शेयर करते रहिए।